आइए फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे डिप्रेशन के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अभी जो एक मेरे पास में पेशेंट आया था, उसको इतना डिप्रेशन था और उसको उसके साथ साथ काफ़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम थे। बहुत हिचकिच कर रहा था बात करने के लिए, और फिर कैसी बात करूँ, क्या बात करूँ, फिर आखिरी धीरे 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 ओपन अप होते गया। बहुत ही होशियार विद्यार्थी, बहुत ही होशियार स्टूडेंट, तो इसलिए उसके चाचा ने शहर में अपने भतीजे को देहात से वहाँ शहर में पढ़ाने के लिए बुलाया। ये कॉलेज में जा रहा था, 7 साल पहले की बात है, कॉलेज में जा रहा था, बीई कर रहा था। और चाचा जब बाहर जाते थे, बाहर कहीं उनके काम के लिए जाते थे, तो धीरे 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 क्या हो गया कि उसका चाची के साथ में प्यार हो गया। चाची ने उसको एक दो बार हस्तमैथुन करते हुए देखा और फिर उसको ऐसा लगा कि अभी चाची कहीं बोल देंगे तो मैंने बहुत पाप किया होगा, चाची कहीं बोल देंगी तो चाचा मुझे वापस देहात में भेज देंगे, इसलिए वो चाची को कुछ बोल ना सका। चाची ने जब देख लिया तो चाची ने उसको एक बार, एक दिन जब चाचा बाहर गए थे तो उसको उसके पास में आई और उसको सेक्स करने के लिए मजबूर किया। अब ये चाहता नहीं था, बोले मुझे गिल्टी लगा, बहुत बेकार लगा, मगर उसने ऐसा बोला कि तू ये बोल देगा कहीं किसको तो मैं बोल देंगे कि तू हस्तमैथुन कर रहा था और तू गलत काम कर रहा था। इस तरह से वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी और उसको धीरे धीरे उसमें मजा आने लगा, दोनों भी सेक्स करने लगे, एक ही घर में रहते। चाचा को लगा कि ये तो अपना बेटे जैसा है और बेटा अपना है, तो ताकि कोई सवाल ही नहीं था कोई किसके ऊपर डाउट करने का। पर अभी इतने साल हो गए, 4 साल के बाद में उसकी डिग्री हो गई, कंपनी में जॉब करने के लिए लगा, शहर में ही है, सिटी में, बड़े सिटी में चाचा के यहाँ रहता है और घर में ही चाची के साथ में उसके संबंध है। अब बताइए कि उसको प्रॉब्लम कैसा हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी उसकी शादी करने की मतलब बात चालू है और चाची बोलती है कि भाई आपकी शादी करने की बात चालू है, शादी करोगी भी, तभी मुझे मालूम है कि मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको तो मेरे साथ में सेक्स करना ही होगा। उसको इतना गिल्टी लगता है अभी और डर भी लगा रहता है कि ये किसी को मालूम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बात ये बढ़ रही है, चाची मतलब बहुत ही हावी हो रही है, उसको अभी बहुत ब्लैकमेल जैसा करती है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो इसलिए मेरे पास में आए कि अभी मैंने करना क्या चाहिए और यहाँ से छुटकारा मैं कैसा पाऊँ। मैंने देखो भाई, आपको छुटकारा पाना है तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सच्चे आपको छुटकारा पाना है क्या, क्योंकि वो तो पिस्तौल लगा के तो कोई आपको सेक्स करने के लिए बोल नहीं रहा है, आपकी भी इच्छा है, मगर आप बाहर से ऐसा बोल रहे कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, आपकी भी इच्छा है, उसकी भी इच्छा है, दोनों कर रहे। आपको फिर सेक्स करने के बाद में ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने नहीं करना चाहिए था, और फिर इसलिए आपको डिप्रेशन आ रहा है। उसका खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं, उसकी नींद बराबर नहीं हो रही है, मगर उसको ये सेक्स करने की इतनी हैबिट हो गई है, बहुत ज़्यादा हैबिट, कि उसको भी अभी रहा जाता नहीं है। और दोनों भी मतलब, वो तो चाची बोलती कि मुझे तो करना ही है, वो तो एंजॉय करती है, मगर ये बोलता है कि सेक्स करने के बाद में मुझे इतना डिप्रेशन आता है कि 2-3 दिन तक मैं ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ, यहाँ से निकल जाऊँ मैं यहाँ से, क्योंकि अभी वो बोलता है कि मुझे ये पड़ी है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में मेरा कैसा, मैं शादी हो जाएंगी तो ये छोड़ेंगे नहीं तो मेरा कैसा होगा, बहुत डर रहा है, बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिंता है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। क्या होता है कि ऐसे जब लोग आते हैं तो पहले ये कुछ बताते नहीं है, डॉक्टर लोग क्या होता है हमारा मतलब मेरा भी ऐसा हो जाता है कि हम उसको डिप्रेशन के ऊपर उसका इलाज करते रहते हैं और उसको कुछ फ़ायदा होता नहीं है, जब तक हम जड़ पे जाते नहीं है कि डिप्रेशन हुआ क्यों, क्या कारण है, या इसको एंग्जाइटी है हुआ क्यों, क्या कारण है, तो मालूम पड़ जाता है कि भाई इसको डिप्रेशन है क्यों। तो हर डिप्रेशन के केस में ये देखना पड़ता है कि भाई डिप्रेशन का सोर्स क्या है, मूल क्या है, और वो वहाँ से हम उसका इलाज कैसा कर सके। अभी उसके सामने दो ही है कि भाई सीधा सीधा एक तो चाचा को बोलना है कि देखो ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत हावी हो रही है, एक तो वो करना पड़ेगा, उससे बोले बहुत हंगामा हो जाएगा घर के ऊपर, और दूसरा है कि अपनी कहीं ट्रांसफ़र कर लेना, कहीं दूर चले जाना और वहाँ से फिर निपट जाना, बाहर निकल जाना बाहर, तो फिर ये होगा नहीं। अभी वो मन से चाहता भी नहीं है, चाहता इसलिए नहीं कि उसको भी तो लगा हुआ ही है, अभी पिछले 7 साल से जब ये बात चालू है तो उसको भी लगा, मतलब वो जो उसको ऐसा है कि कश्मकश है, टू डू और नॉट टू डू, करूँ कि नहीं करूँ, करने के बाद में डिप्रेशन, करने के बाद में गिल्टी फीलिंग, करने के बाद में एंग्जाइटी, चिंता, ऐसा रहता है। और वो दिन ब दिन बोले मेरा वजन कम होते जा रहा है, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो उसको मैंने काउंसिलिंग किया, सेशन किया, धीरे 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 उसको समझ में आया कि ये जो हो रहा है ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, एक तो मॉरेलिटी में नहीं बैठता है, दूसरा है कि विश्वास, ट्रस्ट भी निकल जाएगा सबका, ये बात बाहर मालूम होगी तो,
और तीसरा उसका फ्यूचर जो है वो हैम्पर हो सकता है, उसके वाइफ को शादी के बाद में मालूम पड़ा ये, तो फिर क्या होगा। मतलब ये सभी बातें भी बंद करना जरूरी है। धीरे धीरे जब सिटिंग हुए तो उसको अच्छा लगने लगा, बोले नहीं अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये बंद करना चाहिए, मैंने बहुत हो गया है। और अभी वो उसने कुछ दिन के बाद में आके मुझे बोला कि अभी मैंने पूरे मेरे संबंध तोड़ दिए हैं, बात नहीं करता, मैंने नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है, ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे दूसरे शहर के ऊपर, और अभी हमारे बिल्कुल संबंध वैसे नहीं हैं और हम बात भी नहीं करते, और पूरा मैंने संबंध तोड़ दिया है। घर में वो सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, कि भाई ये बातचीत क्यों नहीं करता है। मतलब अभी दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया। क्या होता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल दे तो नया प्रॉब्लम चालू हो जाता है। बाकी लोग लगता है कि आता भी नहीं जाता, मैंने इतना आना जाना करता था, अभी ये बंद कैसे हुआ। मरूंगा ना वो, ठीक है अभी वो डील करेंगे बाद में, पहले ये करोगे पहले बंद करना पड़ेगा। क्योंकि उसके साथ साथ उसको एक तो हो गया कि उसकी चाची उसको एनल इंटरकोर्स करने के लिए फोर्स करती थी, नंबर एक। फिर धीरे धीरे उसको ये भी लगा कि भाई वो बोलती थी कि नहीं मुझे मतलब समाधान नहीं हुआ तो और दोबारा करो, दोबारा करने के लिए तैयार नहीं होता था तो उसको फिर नपुंसकत्व आता था, मतलब उसको इरेक्शन नहीं होता था, कठोरता नहीं होती सेकंड टाइम, तो वो देखो तू अभी मर्द नहीं रहा, मतलब वहाँ से भी उसको डिप्रेशन आना चालू हो गया था कि भाई अपन मर्द में है कि नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ रहे थे। ये वीडियो करने का मेरा इतना ही मतलब है कि ये सब कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना है, तो जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये जो है वो संबंध अपने कितने ठीक रखते हैं हम, और कितना सरल संबंध रख के हम व्यवहार करते हैं तो ये प्रॉब्लम होंगे नहीं। नहीं तो जब आया लड़का तो ऐसा था कि खुदकुशी कर लेगा क्या, यहाँ तक था प्रॉब्लम ये। और फिर मालूम पड़ता नहीं कि ऐसे कितनी आत्महत्या हो जाती कि हमको मालूम नहीं पड़ता कि आत्महत्या हुई क्यों, अंदर बात मालूम ही नहीं पड़ती अपने, एक लाइफ हम गंवा देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।